और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्थिति साफ हो गई है। तो रुझानों में एनडीए को फिलहाल बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और एनडीए को 297 सीटों पर बढ़त मिली है। INDIA 230 सीटों पर आगे चल रही है। एक बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है, एनडीए को 297 सीटों पर बढ़त। अगर बात की जाए INDIA की 231 सीटों पर आगे चल रहा है INDIA गठबंधन। ये रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है और कुछ कुछ जगह ऐसी है, यानी कि कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर रुझान अब नतीजों में तब्दील हो चले हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। INDIA गठबंधन के लिए अच्छी खबर, 231 सीटों पर आगे चल रहा है और एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुप्रिया सूले आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, हर जगह से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। तो देखिए जश्न मनना शुरू हो गया है और ये तस्वीरें जहां पर महाराष्ट्र की दिखाई दे रही हैं, सुप्रिया सूले और काफी खुश क्योंकि यहां पर नतीजे लगभग क्लियर हो चुके हैं और महाअघाड़ी यहाँ पर जीत गई है। तो ये तस्वीरें, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। हालांकि जो ट्रेंड सेट किया गया था वोटिंग प्रतिशत को लेकर वो काफ़ी नाराज़गी भरा दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो अघाड़ी है उसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट, उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। उत्तराखंड ठंडे प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं और पांचों की पांचों बीजेपी के खाते में चली गई है। कांग्रेस शून्य पर सिमट कर रह गई है, कांग्रेस सभी सीटों पर बड़े अंतर से पीछे रही है। मार्जिन का अगर जिक्र किया जाए तो वो भी अच्छा खासा मार्जिन रहा है सभी सीटों पर, एक या दो पर नहीं बल्कि सभी 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पीछे रही है बहुत बड़े मार्जिन के साथ। ये बड़ी अपडेट उत्तराखंड से आपको बता रही है, जहां पर उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है, जीत हासिल की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गुलाल के रंग में सराबोर सभी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर ठुमकते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप उत्तराखंड की देख रहे हैं, जहां पर 2019 को एक बार फिर से दोहरा दिया बीजेपी ने और 5 सीटें अपने नाम कर ली है और यहां पर कार्यकर्ताओं का जोश कितना हाई है इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए और उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। तो उत्तराखंड के 5 सीटों का हाल आप देख सकते हैं, लोकसभा सीट उम्मीदवार की जो बढ़त रही है, टिहरी गढ़वाल में माला राज्यलक्ष्मी शाह आगे चली और गढ़वाल में अनिल बलूनी, अल्मोड़ा में अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर में अजय भट्ट, तो हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत और सभी 5 सीटें अपने नाम करते हुए उत्तराखंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बीजेपी जश्न के माहौल में मग्न हो चुकी है। हालांकि एनडीए को 297 का ये पूर्ण बहुमत मिल गया है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से स्टेट वाइज नतीजे क्लियर हो रहे हैं, 5 उत्तराखंड की सीटें एक बार फिर से बीजेपी के खाते में चली गई हैं। किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहे हैं वो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। तो उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के खाते में है, बिल्कुल ये कहा जा सकता है गीतू की 2019 की जो तस्वीरें थी वही 2024 में एक बार फिर से देखने को मिली है। 2019 में भी बीजेपी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया था और अब 2024 में भी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई है भारतीय जनता पार्टी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जब पता चला कि एक बार फिर से 2024 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस शून्य पर सिमट कर रह गई है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जब आप जीत और हार के आंकड़े को मापते हैं, जो मार्जिन रहा है वो कितना रहा है, तो कांग्रेस पार्टी कोई 1 या 2 हज़ार के मार्जिन पे नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, यानी कि 5 सीटों पर जो जो उम्मीदवार उतारे गए थे, सभी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से पीछे रहे हैं।
जीत के आसपास भी नजर नहीं आए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब सोचने और विचार करने की बेहद ज्यादा यहां पर जरूरत है। उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर एक जगह पर हर एक लोकसभा में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीरें, कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड लोकसभा की पांचों सीटों का हाल क्या कुछ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिहरी गढ़वाल की, जहां से माला राज्य लक्ष्मी शाह आगे रही है, गढ़वाल से अनिल बलूनी आगे रहे हैं, और ये सभी जो उम्मीदवारों के नाम हम आपको बता रहे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अमरोहा से अजय टमटा आगे रहे हैं। गीतू बिल्कुल, और वहीं बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट जीत गए हैं। वहीं हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया था, वो भी यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। तो उत्तराखंड की पांचों सीटें बीजेपी के हाथ में हैं और इस वक्त जीत का परचम लहरा दिया है। उत्तराखंड में 2019 में भी यही नतीजे थे और अब 2024 में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाते हुए जश्न में डूबे हुए हैं। तो तस्वीर आप देखिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई होता हुआ। उत्तराखंड में पांचों सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली है और यहाँ पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं की मेहनत रही, और ये देखिए किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान भी स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर सीएम धामी लगातार देश भर में भ्रमण करते रहे और पार्टी के लिए प्रचार करते रहे। और अपने उत्तराखंड की अगर उनके बात की जाए तो पांचों सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया गया है। तो पांचों सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं और रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए ये कार्यकर्ता जोश में काफ़ी हाई, इतने लंबे समय से जो मेहनत थी वो साकार होते हुए दिख रही है। उत्तराखंड में पाँचों सीटें बीजेपी के खाते में। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल महेश जी आपसे ही, उत्तराखंड में पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि वहां अगर सबसे पहले इस बात पे मोहर लगी है कि जो वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का जो एक पहला राज्य था जहाँ पे हमने इसकी पहल करी और लोगों ने उसको भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है उसके ऊपर भी मोहर लगाई है, और उत्तराखंड के सारे मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं को, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में चुनाव जो है बहुत सघन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से लड़ा गया। और मैं तो समझता हूं कि जिस प्रकार से हम देवभूमि कहते हैं, वाकई देवभूमि का जो है प्रचंड और प्रखर आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिला है। और सब शुरू से लेके आप देखिए कि जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई है तब से लेके और अब तक जो है लगातार बढ़त बनी हुई है। बिल्कुल, बढ़त बनी हुई है। अखिलेश जी का जो आपने पहले अभी सवाल, ये मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में डेंट लगाया है वो शायद उसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी। राहुल जी का एक मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी पूजा मोहन न्यूज रूम से और ज्यादा जानकारी दे रही है, उनका रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू पूजा। सियासी दलों की तरह गर्मा गर्म है, कोई बहस कर रहा है कि अभी आंकड़ा और ऊपर जाएगा, कोई कह रहा है नीचे आएगा, कोई कह रहा है कि कोएलेशन कैसे बनने वाला है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले मैं भानु प्रकाश जी, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं, इनके पास में आऊंगी। सर, लगातार हम लोग दावे करते रहे, सियासी दल वादे करते रहे, लेकिन आपको इतने बड़े उलटफेर का अंदाजा था क्या? मुझे था। कैसे? कैसे? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई पर यह सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, यही सबसे बड़ा कारण रहा। और विपक्ष इस मुद्दे को उछालता रहा, इसका फायदा विपक्ष को मिला है, और इन दोनों मुद्दों के कारण अंडर करेंट जो था ना बीजेपी के खिलाफ था। तो बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके का अंडर करेंट था, उस बात का जिक्र यहाँ पर भानु प्रकाश जी कह रहे हैं, हम इनको प्यार से बाबा बोलते हैं, बाबा ने, बाबा की जो सरकार है वो किस तरीके से हिली वो बताने का काम किया है। चलिए रोहन जुड़े हुए हमारे साथ में। रोहन, आपने बहुत करीबी से सारे डेटा निकाले, डेटा कलेक्शन का काम आप शुरुआत से ही कर रहे हैं, जिस दिन हमने जो एग्जिट पोल चलाया था उस दिन से लेकर के आज तक, आपको क्या अंदाजा था इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या? क्योंकि लड्डू तो दोनों ही जगह बन रहे थे, कांग्रेस के दफ्तर में भी बन रहे थे और बीजेपी के दफ्तर में भी बन रहे थे।
देखिए 10 साल के बाद से किसी भी सरकार को वापस आना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद भी जो नंबर आ रहे हैं बीजेपी के फेवर में वो बहुत अच्छे हैं। ये जो संविधान का मुद्दा रहा विपक्ष का, वो काफ़ी हावी हुआ बीजेपी पर, और जिसको हमने देखा कि बीजेपी हमेशा कहती भी आई कि संविधान आरक्षण कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन लोगों तक वो बात पहुँचाने में मुझे लगता है कांग्रेस और विपक्ष कामयाब रहा है। कांग्रेस और विपक्ष कामयाब रहा। निशांत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या लगता है कि अगर विपक्ष थोड़ा और पहले प्रिपरेशन करता तो ये फाइट और अलग नजर आती क्या? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष ने, बीजेपी के सांसदों ने मौका दिया है विपक्ष को। नहीं तो आप जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, पूजा पाठ हुआ था, तो उस समय विपक्ष में एक शून्यता आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से कवर करना। लेकिन अयोध्या की सीट नहीं बची। वही तो, वहाँ के सांसद हैं वो बड़बोले बयान दे रहे थे कि हम संविधान बदलने के लिए हमको सीटें चाहिए, और जब मास को ये बात अपील करा विपक्ष की ओर से, तो आज जो परिणाम है वो शायद एक बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए, जबकि पूरी दुनिया मान रही थी। कल ही ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा था, पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही थी, अमेरिका में चर्चा हो रही थी कि फिर से मोदी तीसरी बार बहुमत के साथ आने वाले हैं, लेकिन आज जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो कद है उनके कद के हिसाब से वो कम है। आर्टिकल 370 रिवील कर दी, और इस उम्मीद के साथ कि 370 अकेले बीजेपी लेकर के आएगी। प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। बिहार ने तो खेल कर दिया, नीतीश बाबू पलट जाएंगे क्या, क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। जो उनका इतिहास देखा जाए तो कभी कांग्रेस, कभी RJD, कभी बीजेपी, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्थिर रह पाएंगे। और जहाँ तक आंकड़े के सवाल हैं तो बीजेपी को वहाँ पे लॉस होता हुआ दिख रहा है। बक्सर हम देख लें, पाटलिपुत्रा देख लें, आरा हम देख लें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और सबसे बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए यूपी में है। जो योगी जी का सुशासन था या राम मंदिर का मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए उतना लाभकारी नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। तो राम नहीं आए काम, ये कह रहे हैं प्रकाश जी। और बिहार में भी सत्ता डामाडोल हो गई है, इस बात का जिक्र किया। हमारे साथ में ओम प्रकाश सर हैं, एडिटर हैं। सर, सियासत को बहुत करीब से आपने देखा है, शायद जितनी मेरी उम्र होगी उससे ज़्यादा चुनाव आपने देख दिए, विधानसभा लोकसभा मिलाकर के अगर बात कर ली जाए। इस तरह के नतीजों की उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी शुरुआत से ही दावा कर रही थी 400 पार की बात कर रही थी। देखिए, 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, और बीजेपी खुद के लिए 370 प्लस का जो नारा लगा रही थी, लेकिन देखिए क्या हुआ है कि इस बार के डायनेमिक्स को समय, जिस तरह का गठबंधन बना था, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, या फिर जो साउथ में गठबंधन जिस तरह से बना था, इंडिया गठबंधन ब्लॉक बना था, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का जो है एक तरह से कहिए कि रुझान बढ़ा। अभी तक तो पहली बार हो रही थी कि इंडिया गठबंधन के पास कोई PM का चेहरा नहीं है, तो ये बिना किसी PM के चेहरा का सिर्फ इन्होंने मुद्दा बनाया, आरक्षण का मुद्दा बनाया, फिर उसका संविधान बदलने की बात को मुद्दा बनाया, जिसको लोगों को वो अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे। वहीं बीजेपी की तरफ से जो बात बताई जा रही थी, विकास का मुद्दा था या आरक्षण का मुद्दा को भी बीजेपी ने उठाया था, उसी की बात लागू करने की बात की थी, उसमें जनता ने कम रुझान दिखाया है। लेकिन ये मत समझिए कि बीजेपी आउट हो गई है, बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, और अभी भी इस बार भी जो है तीसरी बार भी बीजेपी की ही सरकार बनने की उम्मीद है, अपने NDA की सरकार। हाँ, अब गठबंधन के नेताओं से उनकी बातचीत शुरू हो गई है, और अब कुछ घंटे की बात रह गई है, जब बीजेपी की तरफ से अनाउंस हो जाएगा, वो जाके दावा करेंगे अगली सरकार बनाने का दावा करेंगे। यहाँ पर असाइनमेंट का रुख मैं करूँगी, असाइनमेंट से यहाँ पर हमारे साथ में सर हैं। सर, क्या लगता है बिहार के अंदर जिस तरीके का बवाल मचा, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा घूम जाइए, कैमरे की तरफ अपना चेहरा दिखाइए, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आप न्यूज़ चैनल का भी, और इस समय सरकार बन रही है तो बिहार से आपका ताल्लुक है। क्या लगता है आपको कि बिहार ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है मैंडेट और मन सबको चेंज करने? नहीं, ऐसा कोई परिवर्तन तो दिखा नहीं बिहार में, अभी ऐसा कोई परिवर्तन दिखा नहीं बिहार में। रही बात कि बीजेपी की बात, जहाँ तक बिहार में बीजेपी में कोई लीडरशिप उस तरह का है नहीं, और नीतीश कुमार का बीच में जो ढुलमुल रवैया है, RJD उसको गेन की है, इसी वजह से वहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को वहाँ पर।
तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ा है। टिकर पर प्रियांशी हैं और प्रियांशी बहुत बड़ा काम करती हैं। हो सकता है कि चैनल के नीचे की पट्टी आपको प्रभावित करती हो और आप देखते हो अरे यहाँ पर ये घटना हो गई, अरे कौन लीड कर रहा है, ये सारी खबरें जो आप देखते हैं ना ये पूरा दारोमदार प्रियांशी के कंधे पर होता है और प्रियांशी आपको बताएंगी। प्रियांशी, सुबह से जब नतीजे आने शुरू हुए और अब जो नतीजे चल रहे हैं क्या लग रहा है? पहले तो ये था कि बीजेपी ही आगे बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और इलेक्शन कमीशन की साइड पर पहला चुनाव है। हाँ सर, मैं पहला चुनाव मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन मुझे पहले एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा स्मृति ईरानी पर है कि पहले वो जीत 2019 में वो जीत कर आई हैं, राहुल गांधी को उन्होंने हराया 1,00,000 से, अब उल्टा पल्ला भारी हो गया उन्हीं पर ही और राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया इस बार। तो मज़ा आया आज के चुनाव? हाँ, बहुत एक्साइटेड थी मैं, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। तो बच्चे जब पॉलिटिकल की खबरों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो वो बेहतरीन लगता भी है। चंदन, यहाँ से उठकर के आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा कैमरे की तरफ आइए क्योंकि कैमरा आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, आप लंबे हैं, कैमरे के पास पहुँच जाइए। चंदन बहुत करीब से जो है सियासत को समझते भी हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र का जिक्र बहुत ज़रूरी है, अयोध्या। चुनाव के पहले दिन से अयोध्या का जिक्र चल रहा था चंदन, लेकिन अयोध्या हार गई बीजेपी। आप ताल्लुक भी रखते हैं अयोध्या से, क्या लगता है क्यों? देखिए, मैं तो ताल्लुक दो सीटों से रखता हूँ, एक बस्ती और एक अयोध्या। बस्ती और अयोध्या दोनों ही हार गई। अयोध्या हारने का सबसे बड़ा कारण लल्लू सिंह रहे। लल्लू सिंह ने जो संविधान बदलने की बात कही उससे तो एक तरीके से समझ लीजिए कि बीजेपी की नैया उन्होंने बीजेपी यूपी में डुबोने का काम किया। फिर जिस तरह से सपा ने अपने आप को यूपी में स्थापित किया, ये बहुत बड़ी ठीक है। पूजा, एक बार फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, पांचों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अनुज अवस्थी और संजय पुंजीर, दो सहयोगी ग्राउंड जीरो उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले अनुज अवस्थी, आपके पास आते हुए किस तरीके की तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, खासकर बीजेपी कार्यालय पर? बिल्कुल रुक करेंगे, पहले संजय पुंडीर का आंचल उनके पास चलते हैं। संजय, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, पांचों सीटें बीजेपी के खाते में हैं? देखिए, 2019 की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की पांचों सीटों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं उत्साहित है, क्योंकि कई दिनों पहले से ही उन्होंने अपने अपने लड्डू बनवाने शुरू कर दिए थे। और खासकर अगर सभी कार्यालयों की बात की जाए तो वहां पर एक जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ कहीं ना कहीं वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी सीट है, हरिद्वार को हॉट सीट भी कहा जाता है। यहाँ कड़ी एक फाइट भी रही है और इस फाइट में ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं यह सीट बीजेपी के खाते से चली जाएगी, लेकिन उसका उलट ही हुआ है। अगर आज चुनाव परिणाम की बात की जाए तो करीब 1,38,000 से ज़्यादा जो मत है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली है, यानी 1,38,000 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि अभी चुनाव जो परिणाम है वो लगातार चल रहा है और इसको लेकर जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं मायूस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन हम सबसे पहले कहेंगे उत्तराखंड की पांचों सीटों को जीत हासिल हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो धामी का कार्यकाल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, यूसीसी कानून है, उसके अलावा उन्होंने देवभूमि के लिए जिस तरह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को अब प्रभावित कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार उत्तराखंड की पांचों सीटें भाजपा के खाते में पहुंची है। चलिए ठीक है संजय, ये तो आपने वजह बता दी, मुद्दे बता दिए कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो बीजेपी ने उठाए और जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी की कहां कमी रही, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी लगातार ही धरातल पर कार्य किया है, लेकिन जो कांग्रेस का गुट है वो कहीं ना कहीं यहाँ नाकाम साबित हुआ है। एक और हरीश गुट हो जाता है तो दूसरी ओर एक और गुट बन जाता है, और खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में यहाँ जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उनके जो पुत्र हैं वीरेंद्र सिंह रावत, वो चुनाव मैदान में थे। हालांकि वो तमाम तरह के दावे भी कर रहे थे, एक लिस्ट भी उनके हाथ में थी, ये भी कहना था उनका कि तमाम इन वादों को हम पूरा करेंगे, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया है, इसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। अभी अगर उत्तराखंड की पांचों सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को और कार्य करने की जरूरत है और यह भी मंथन करने की जरूरत है कि कमी कहां रही है। जी ठीक है, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया उत्तराखंड के किसी कांग्रेस नेता का, जिस तरीके से ये हार हुई है 2019 में भी यही तस्वीर है और 2024 में भी यही तस्वीर है, क्या 5 साल में कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ नहीं बना पाई?
पॉलिटिक्स लगातार जब इस तरह का माहौल हो जाता है, एक तरफा जीत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कई तरह के सवाल उठाता है। उनका यह भी कहना होता है कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ है और कई तरह के और भी आरोप सत्ताधारियों पर लगाता है, तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनके कार्यों में कमी रही है, जनता को अपने वादों से प्रभावित नहीं कर पाए हैं, अभी और ज्यादा काम करने की हरिद्वार में जरूरत है। इसके अलावा अगर पांचों सीटों की बात की जाए तो पांचों सीटों पर ही लगातार कांग्रेस को करारी हार मिली है, 1,000 नहीं 2,000 नहीं बल्कि लाखों का जो गैप है वो यहाँ पर देखने को मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता ने अपने मतों का प्रयोग सत्ता पक्ष में किया है और यही कारण है कि इस बार पांचों की पांच सीट कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में आई है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अनुज अवस्थी भी जुड़ गए हैं। अनुज, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में सभी पांचों सीटें बीजेपी के खाते में चली गई है, और क्या क्या रिएक्शन मिल रहे हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि जो मार्जिन है बीजेपी और कांग्रेस की जीत का वो काफी ज्यादा इलाकों में है। अनुज, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो पांचों लोकसभा सीटें लगभग बीजेपी के खाते में जा चुकी है। टिहरी से अगर बात करते हैं तो टिहरी, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे अनुज, और फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीरें जहां पर पांचों सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली है, और यहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश देखकर समझा जा सकता है किस तरह से उनकी मेहनत रही। और अगर हम बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के मार्जिन की तो वो भी लाखों में रहा है। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड वाले चाहते हैं कि बीजेपी ही यहाँ पर रहे और काम करे, और जिस तरह से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं रंग गुलाल उड़ते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं और जश्न में सराबोर हैं। और इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में उथल पुथल के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मीटिंग, बैठक में डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य, आपको बता दें ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है, बड़ी बैठक है ये, और यूपी में उथल पुथल के बाद बीजेपी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो उथल पुथल हुई है, लखनऊ में सीएम योगी बैठक ले रहे हैं, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कैसरगंज से, करण भूषण शरण सिंह जीत गए हैं, ये बड़ी खबर, करण भूषण सिंह 1,25,000 वोट से जीते, कैसरगंज से करण भूषण शरण सिंह की जीत हो गई है, अमरावती से नवनीत राणा हार गई है, ये बड़ी खबर, अमरावती से नवनीत राणा को हार का मुंह देखना पड़ा। और देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां जहां पर जिस जिस कार्यकर्ता की, जिस जिस उम्मीदवार की जीत हो रही है वहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है, तो कई जगह पर गुलाल के रंग में सराबोर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।